अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल ट्राउज़र डिज़ाइन। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सेम कपड़े की ही डिज़ाइनिंग की है, और यहाँ मैंने इलास्टिक डाल प्लीट्स डाली हैं चार। आपको दिखा देती हूँ, 1, 2, 3 एंड 4। फोर्थ वन में जो है मैंने ट्राइंगल्स यहाँ बनाकर लगाई हैं, और यहाँ पर मैंने जो है वो वर्क किया है, कट्स बनाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आपने इस वीडियो को फुल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। पहले मैंने ट्राउज़र को यहाँ बिछा लिया है, और यहाँ मैं बताती चलूँ कि ट्राउज़र की लेंथ जो है मैंने 38 तैयार रखनी है। तो मैंने ये जो ट्राउज़र है वो 42 इंचज़ का काटा है, यानी 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है टोटल लेंथ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल लेंथ का मार्क मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और उसके बाद मैंने टोटल लेंथ से 42 जो मेरी टोटल लेंथ है उससे मैंने 9 इंच ऊपर एक मार्क करना है जहाँ पे हम प्लीट्स डालेंगे। और टोटल 4 ही प्लीट्स हम रखेंगे, 4 इंच का एक्स्ट्रा हमने कपड़ा लिया है और 4 ही हम यहाँ पे प्लीट्स डालेंगे। और यहाँ से 9 इंच से नीचे 4 इंचज़ पर मैं एक और मार्क करूंगी, यानी ये जो इतना कपड़ा है 4 इंच जो मैंने अभी मार्क किया उसमें हम प्लीट्स डालेंगे। तो प्लीट्स डालने के लिए सबसे पहले आपने इसको खोल लेना है और यहां से इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए ऐसे बिछा लिया। बिछाने के बाद आपने आधे इंच से भी कम का जो है वो प्लीट यहाँ पे डालने हैं, और उनके दरमियान बराबर गैप होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको प्लीट डालकर दिखाती हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे जो निशान था 9 इंच वाला वो मैंने रख लिया है, और आपने यहाँ पर एक पैर से 1 पॉइंट ज्यादा की जो है प्लीट यहाँ पे लगानी है। आपने यहाँ पे रखा और इसको स्ट्रेट करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितने फासले पे जो है प्लीट यहाँ पे डाली है। तो इसी तरह 4 प्लीट्स आपने यहाँ पे डालनी है। तो व्यूअर्स, ये मैंने एक प्लीट जो है यहाँ पे लगा लिया है। दूसरी का फासला जो है वो आपने ये देखिए प्लीट को इस तरह रखना है, और यहाँ पे ये देखिए पूरे 1 इंच का आपने फासला रख के उसी पैर की उसी जो है वो चौड़ाई की आपने प्लीट लगानी है। जब आप लगाएंगे और इस प्लीट को नीचे की तरफ करेंगे तो ये देखिए इस तरह से जो है आपका ये पैटर्न बनेगा। तो ये सारा पैटर्न मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। लीजिए व्यूअर्स, मैंने चारों की 4 प्लीट्स जो है यहाँ पे डाली हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने जो है इसके दरमियान का डिस्टेंस कितना रखा है। इसके दरमियान देख लीजिए, इसके दरमियान का चेक कर लें, और इसके दरमियान का यानी बराबर है। और ये 4 इंच का जो कपड़ा था वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब 3 प्लेट जो है वो ओपन रहेंगी, चौथी प्लेट में जो है वो हम समोसी जिसे कहते हैं या जिसे आप ट्रायंगल कहते हैं वो बनाकर इसमें लगाएंगे, और यहाँ से सिलाई बंद कर देंगे। यानी एक प्लेट में ट्रायंगल्स और 3 प्लेट जो है वो ओपन आएंगी। तो समोसी जो हम बनाते हैं उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि कितने इंच चौड़ी और कितने इंच लंबी आपने वो लेनी है। तो व्यूअर्स, ट्रायंगल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 7 जो हैं वो स्क्वायर बॉक्सेस ले लिए हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी 1.5 इंच है। और इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने सिंपल इसको पकड़ना है और इसका एक स्काफ नुमा जो है एक ट्रायंगल बनाकर फिर इसको एक दफ़ा फोल्ड करके, और यहाँ पे आपने जो है वो रफ स्टिच करना है ताकि इसको लगाने में हमें आसानी हो। और इसी तरह 7 की 7 जो है वो तैयार करके हम आपको लगा कर दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें ये ट्रायंगल है, इसको आपने इस तरह से फोल्ड करके एक बार फिर फोल्ड करना है, और इसको ऐसे रखकर ये देखें मैंने स्टिच करके सारी जो है वो कंप्लीट कर ली है। इनको अब आप काट के अलग कर लें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने इसकी लोकेशन का मार्क करना है कि आपने कहाँ पे जो है ट्राइंगल रख के लगानी है। तो सबसे पहले आपने पाइचे के शुरू से 2.5 इंच पर निशान लगाना है। आपने यहाँ से लगानी शुरू करनी है। पहले आप यहाँ पे इस तरह से रख के लगाएंगे, और उसके बाद आपने यहाँ से 1.5 इंच का मार्क करना है। यहाँ पे हमने 2 ट्राइंगल्स रख के लगानी है। उसके बाद आ जाएगा पाइंचे का सेंटर, एक आपने सेंटर में और
फिर दो और फिर जो है यहाँ से 2.5 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए आपने लगानी है। तो मैं आपको ये लगा कर दिखाती हूँ। तो लीजिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल्स फिट कर ली हैं। 5 इंच से शुरू का जो डिस्टेंस है वो 2.5 इंच का मैंने रखना है, बाकी दरमियान में सब डिस्टेंस जो है मैंने 1.5 इंच के रखे हैं। और अब मैं यहाँ पे कट्स बनाऊंगी, तो कट मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पर एक रेफरेंस के लिए टुकड़ा जो है वो कट में काट कर रखा हुआ है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 2.25 इंच है, और इसको मैं रखते हुए यहाँ पर ट्रेसूंगी। तो ये डबल फोल्ड मेरे पास कैनवस पेपर है जिसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है और लंबाई आपके पाइंचे के जितनी है, जितना आपका पाइंचा लंबा है उतनी रख लीजिए। और यहाँ पर सेंटर में जो है रख कर मैं इसको बंद करके ट्रेस करूँगी और बाकी जगह पर मैं इसको खोल कर ट्रेस करूँगी। तो ट्रेस करके और इसको पाइंचे पे पेस्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ। वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है पेस्ट कर लिया हुआ है, और इसको कवर करने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसकी भी लेंथ जो है पाइंचे के बराबर है। मैं इसको बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए व्यूअर्स, मैंने जो है वो बहुत ही इजी और यूनिक ट्राउज़र डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। मैंने यहाँ पे कट पर जो है वो सिलाई लगाई है ताकि ये जो है वो सिक्योर रहे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ट्रायंगल्स लगाई हैं और 4 जो है प्लीट्स डाली हैं। 4थी प्लीट में जो है मैंने ट्रायंगल लगाई हैं और आप देख सकते हैं इसको मैंने रेडी कर लिया है। और यहाँ पे जो है मैंने इसके इलास्टिक डाला है, तो मैं आपको इसकी बैक से भी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप कितनी नफासत से जो है हमारी प्लीट्स हैं यहाँ पे लगकर तैयार हैं। तो व्यूअर्स, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के डिज़ाइंस को बनाने में और वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं कि ये डिज़ाइन कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिक और ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।